व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो सभी के सभी लोग। आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में आज हम आपके लिए लेकर आ गए डोरेमोन मोड। और ये डोरेमोन मोड मैंने एक साल पहले ही इसका वीडियो डाल दिया था, उसमें भी आप सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था, तो आज मैं उसका अपडेट वर्जन लेके आ गया हूँ। तो चलो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैं एपीपी में आ गया, और एपीपी में आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको डोरेमोन को रख देना है। और डोरेमोन को पसंद था डोरा केक, तो डोरा केक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ्टिंग टेबल में आपको ब्रेड और कुकीज से आप डोरा केक बना सकते हो। इस तरह से देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे आपको रेसिपी दिखा दी, इस तरह से आप डोरा केक बना सकते हो। और डोरा केक बनाने के बाद सिंपली उसको आपको कुछ नहीं करना, टैम करना है तो मैं टैम कर लेता हूँ। टैम करने के बाद सिंपली ट्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे विलेजर को आप ट्रेड करते हो वैसे इसको ट्रेड कर देना है। और ट्रेड करने के बाद आपको बहुत सारे गैजेट देखने को मिलने वाले, तो मैं सारे गैजेट लेके ही मिलता हूँ आपसे। A few moments later. और यहाँ पे मैंने बहुत सारे गैजेट ले लिए, बट सारे तो नहीं लिए क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने कुछ कुछ गैजेट ले लिए। और इस वाले गैजेट में आपको नोबिता भी देखने को मिलने वाला है, और ये बहुत कमजोर होने वाला है, अगर आप यहाँ से नीचे गिराओगे तो ये मर भी जाएगा। और यहाँ पे नीचे पानी था, बट ये देख सकते हो पानी के अंदर जाके मैंने एक गुस्सा मारा और एक गुस्से में ये मर गया। ये इतना ज्यादा कमजोर, इसको थोड़ा कुछ ज्यादा ही कमजोर बना दिया। बैम्बू कॉप्टर को आपको सर के ऊपर रख देना है, तो सर के ऊपर रखने से ही तुरंत आप उड़ने लगोगे। और ये देख सकते हो मैं उड़ रहा हूँ, क्रिएटिव में जैसे उड़ता हूँ वैसे यहाँ पे इस तरह हवा में मैं उड़ रहा हूँ। और फिर चलते हैं गन की तरफ, तो इस गन का नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, बट आप कमेंट में बताना जरूर कि इस वाले गैजेट का नाम क्या था। बट इस वाले गैजेट से आप सिर्फ खेल सकते हो खिलौने की तरह, कोई मरेगा नहीं। और नेक्स्ट वाला गैजेट चलता है, ये है स्मॉल लाइट, और इससे आप कोई भी मॉब को या कोई भी एयर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। और ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे कछुए को छोटा चींटी जैसा बना लिया, और इसे बिग लाइट से आप सबसे बड़ा बना सकते हो, कोई भी मॉब हो सब मॉब को आप बड़ा बना सकते हो। जैसे कि मैं कछुआ को बना रहा हूँ, और ये देख सकते हो कछुआ कितना बड़ा मैंने कर दिया, और मेरी स्क्रीन में भी नहीं आ रहा, तो मेरे को साइड में हवा में उड़ के दिखाना होगा आपको। और ये देख सकते हो कछुआ कितना बड़ा हो गया है, और ये देख सकते हो बिग लाइट से। तो अब नेक्स्ट गैजेट की तरफ चलते हो, इस वाला गैजेट का नाम है स्टोन कैप, और इस स्टोन कैप को आप सिंपली आपके सर के ऊपर पहनोगे तो आपको स्टोन बन जाओगे। और ये देख सकते हो मैं स्टोन बन गया, और इस वाला इससे स्टोन बन के आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हो, या आपके दोस्तों को डरा सकते हो, या फिर कुछ कांड करके भाग सकते हो स्टोन बन के। तो नेक्स्ट गैजेट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट गैजेट निकल के आता है वो है हमारा एनीवेट डोर। तो एनीवेट डोर से सिंपली आप टेलीपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, और इस तरह मैं देख सकते हो टेलीपोर्ट भी कर लिया, इसी तरह का एनीवेट डोर था। और नेक्स्ट गैजेट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट गैजेट हमारा निकल के आता है, उस गैजेट का नाम है टाइम मशीन। और टाइम मशीन से आप हवा में उड़ सकते हो, बट टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, जैसे आप डोरेमोन में करते थे वैसे इसमें टाइम ट्रैवल तो नहीं कर सकते, बट आप हवा में उड़ सकते हैं इस वाले गैजेट का यूज़ करके। जैसे आप प्लेन चलाते हो वैसे ही चलेगा ये, बट इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो यही था हमारा डोरेमोन मोड। तो चलो इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अप्लाई करना है उस प्रोसेस पे चलते हैं। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगी, मीडिया फाइल की लिंक होगी, सिंपली आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको करना है एस्टेकेस, एस्टेकेस करूँगी तो यहाँ पे पासवर्ड शो होगा, वो वीडियो में आपको कहीं पे भी शो हो गया होगा, तो पूरा वीडियो देखना जरूर। और फिर पासवर्ड डालने के बाद सिंपल यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा आपको डोरेमोन एड ऑन करके, तो उस फोल्डर में जाना है। उस फोल्डर में जाने के बाद आपको अंदर जिप फाइल मिलेंगी, उसको सिंपली आपको रीनेम करना है, और मैं रीनेम कर देता हूँ। और इसमें रीनेम में सिंपली आपको डॉट जिप को हटा देना है, बाकी सब रहने देना है वैसे का वैसा, फिर रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद सिंपली जिप फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, और एरो पे क्लिक करोगे तो आपकी माइनक्राफ्ट ओपन होने लगेंगी। तो चलो माइनक्राफ्ट को ओपन होने देते हैं। 3 hours later. और फाइनली माइनक्राफ्ट ओपन हो जाए, बाद में यहाँ पे ऊपर लिखा होगा आ जाएगा, और इम्पोर्ट होने लगेगा बियर पैक और रिसोर्स पैक दोनों। तो इम्पोर्ट हो जाए बाद में सिंपली प्ले पे क्लिक करना है, प्ले पे क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू वर्ल्ड करना है, और क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लेना है, और वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंटल के सारे ऑप्शन ऑन कर देने हैं। तो अभी के लिए चलो मैं ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ, अभी तो क्रिएटिव रख लेता हूँ, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी ऑन कर देते हैं। और एक्सपेरिमेंटल के ऑप्शन तो ऑन करना ही होगा, वरना आपका मोड ठीक से अप्लाई वर्क नहीं करेगा। तो एक्सपेरिमेंटल के ऑप्शन ऑन कर देना है, और मैंने एक्सपेरिमेंटल के ऑप्शन ऑन कर दिया। और एक्सपेरिमेंटल के ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको जाना है रिसोर्सर पैक में, और रिसोर्सर पैक में जाने के बाद माई पैक में जाना है, और माई पैक में जाओगे तो यहाँ पे डोरेमोन
आरपी करके लिखा होगा तो उसको सिंपल अप्लाई कर देना है, और लिखा होगा डोरेमोन बीपी, तो बीपी मतलब बियर पैक, आरपी मतलब रिसोर्स पैक, तो दोनों को अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई करने के बाद वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। और फाइनली मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो गया। तो वर्ल्ड क्रिएट हो जाए तो आपको सिंपल क्रिएटिव इन्वेंटरी से या कमांड से आप ले सकते हो। तो मैं अभी क्रिएटिव में, तो क्रिएटिव इन्वेंटरी से डोरेमोन को ले लेता हूँ। और आगे तो मैंने बताया ही कैसे इसको टाइम करना है और कैसे इससे गैजेट लेने हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।